लो जी, जहां हम लोग बेसब्री से अखियां मटकाए पलके झुकाए इंतजार कर रहे हैं भाईजान सलमान खान की 15 तारीख के रिलीज का, जो कि अब सिर्फ 4 दिन बाद होने वाली है। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा बेचैनी में बैठे हैं। वहीं सेंसर बोर्ड वालों ने फिल्म देख ली है दोस्तों और बता दिया है फिल्म के बारे में। क्या बताया, जानना चाहते हैं? तो चलिए वीडियो आगे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि सेंसर बोर्ड है ना, फिल्म देखता है और UA सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेमो डिसूज़ा ने बताया है कि हाँ, सेंसर बोर्ड ने हमारी फिल्म देख ली है, 2 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म है और हमें UA सर्टिफिकेट दिया गया है। अब दोस्तों, सेंसर बोर्ड के अंदर के खुफिया सूत्रों ने बता दिया है कि फिल्म होने वाली है ब्लॉकबस्टर। जी हाँ दोस्तों, सेंसर बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने पहले ही ये फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दे दिया गया है। सारे एलिमेंट्स का परफेक्ट मिश्रण होने वाली है ये फिल्म। क्या एंटरटेनमेंट का डोज ले लीजिए, क्या एक्शन ले लीजिए ईद पर, तो रेडी रहिए अपनी ईदी के लिए दोस्तों, क्योंकि भाईजान सलमान खान बैक विद अ बैंग आने वाले हैं। इससे पहले जो ईद आई थी, ट्यूबलाइट, तब फिल्म आई थी दोस्तों 2017 की, जहां पर दर्शकों ने फिल्म को थोड़ा सा नकार दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यार ईद के मौके पर इस तरीके की रोने धोने वाली फिल्में हमें पसंद नहीं है। और अब वो इस ईद पर, यानी कि 2018 की ईद पर, एक्शन से भरपूर एक फिल्म लेकर आने वाले हैं और जिसमें कि फेस्टिव के पूरे रंग होंगे। वाह जी वाह, मैं तो अभी से ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों। टिकट नहीं कराया अभी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ प्रेस शो का। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने टिकट करवाई है या नहीं करवाई अभी तक, क्योंकि 10 तारीख से इसके बुकिंग शुरू हो चुकी है। कमेंट सेक्शन आपका मुझे ज़रूर बताओ कि टिकट में आपने ली है, नहीं ली, या जो भी है टिकट के बारे में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन आपका फटाफट बताना, एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखना ना भूले फिल्मी यारा बॉस, यारों का यारा फिल्मी यारा राहुल बोझ।